कहाँ कहाँ क्या मामला है? ये गुरुद्वारे के पास है कृष्ण देवी, एक अनमोल बुद्ध तो दोपहर बाद पता लगा कि कोई रोटी मिठाई का डब्बा देने आदि वाले तो पता लगा कि भाई अंदर वो सोई पड़ी है। उन्होंने सोचा सोई पड़ी है, कम्बल ऊपर डाला हुआ था, उसने आके हिलाया। वैसे वो लड़का बोल नहीं सकता, गूंगा था, तो उसने हिलाया तो उसने देखा कुछ नहीं है, बस हिले नहीं उठे नहीं, तो चेहरे पे ब्लड वगैरह था। तो फिर बाद में यानी एमसी है हमारा वार्ड का, 15 वार्ड का, उसको इन्फॉर्म किया, उसने जाके आगे पुलिस को बताया। लड़का खाना देने, मिठाई देने आया था, 11:30-11 के आस पास है, 11-12 के बाद। इसका एक इसकी लड़की है, दिल्ली में शादी हुई है, 20-22 साल हो गए। और एक लड़का है, वो यानी कि गुरु का चोला डाल लिया उन्हें, बाबा बन गया है 10-12 साल। अब अकेले ही रहती थी तो कोई। क्या मामला है यहाँ पर? पुलिस भी आई हुई है, पता नहीं है कुछ लोगों ने अंदर बढ़ के पुलिस को कैसे मारा, कुछ नहीं पता। इसका नाम कृष्णा देवी है, अकेली रहती है ये, बेटी इसकी दिल्ली में रहती है। बेटा नहीं इसका? बेटा नहीं, एक बेटा बता रहे। बेटा लिया था बहुत, वो मतलब आश्रम में चला गया रहने के लिए। तो सुबह किस टाइम आपने देखा? सुबह 7:25 पे, ठीक ठाक बैठी थी यहाँ गेट। हाँ जी, तो उस टाइम उसके बाद मतलब किसी ने देखा उसको? सबसे पहले उसके बाद घर वालों के पास ही पता लगा, ऐसे जैसे घर से कोई बोलने आया, इनके घर में आवाजें लगाई या कोई खाना देने आया, तो ये बोल नहीं रही थी। तो ये खाना वगैरह अपने खुद ही बनाती थी? नहीं, अब तो बाहर से आ रहा था इसका। अच्छा, होटल से आता था? हाँ जी। तो कोई खाना देने आया होगा? हाँ, जैसे ये बनाती है घर में खाना ना, वो दे गए थे। तो उसने देखा इसको? हाँ जी, उसने फिर बाहर बताया। हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।